ये जिंदगी तस्वीर भी है और तकदीर भी है। तस्वीर हमारे ऊपर निर्भर करती है, हम उसे कैसे बनाते हैं, और तकदीर जो हमें प्राप्त हो जाती है वो बन जाती है। तो उसी प्रकार आज हमारे साथ है मुमुक्षु पसंत जी सिपानी। वह अपने जीवन में ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप रूपी रंगों के द्वारा अपने जीवन की तस्वीर को निखारने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। सो मुमुक्षु पसंत जी सिपानी के बारे में बताना चाहूंगी, आपके मम्मी पापा का नाम है सुश्रीमती संगीता जी सिपानी एवं पापा का नाम है मानक चंद जी सिपानी। आप चित्तौड़गढ़ से हैं जो महाराणा प्रताप की भूमि है। तो ऐसे ही शूरवीर आज धर्म की ओर आगे बढ़ने के लिए जा रहे हैं। आपका तहे दिल से स्वागत है बसंत जी, प्रशांत जी। तो बसंत जी आप बताएं कि आप दीक्षा क्यों लेना चाहते हैं, ऐसा क्या फील हुआ कि आपको इस मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए? सभी जो भी इसके बहुत सारे कारण है कि मैं दीक्षा क्यों लेना चाहता हूँ, क्योंकि तो मैं थोड़े बहुत कारण बताता हूँ कि सभी कारणों का बेसिक तो यही होता है कि मेरे को सुख पाना है और दुखों को छोड़ना है, सभी कारणों का बेसिक यही है। पर जैसे कुछ कारण ये हैं कि हमको अगर सुख पाना है तो उसके लिए हमको जन्म मरण को खत्म करना पड़ेगा, जन्म मरण, और जन्म मरण के पीछे ये सारे दुख होते हैं, बुढ़ापा, रोग शोक, ये सब जन्म मरण के पीछे होते हैं। और जन्म मरण को खत्म करना है जल्दी से जल्दी, तो हमको हमारी अंतिम साधना जो होती है, जो हमारा अंतिम समय होता है, उसको सुधारना पड़ेगा। अगर एक बार अंतिम साधना, अंतिम समय सुधर जाता है, हमारा सम्यक बन जाता है अगर वो, तो हमारे ज्यादा से ज्यादा 15 भाव फिक्स हो जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा, और कम से कम तो हम एका भवतारी भी बन सकते हैं। क्योंकि तो मैंने गुरु भगवंतों से सुना है कि जब हम गर्भ में होते हैं तब हमको इतना अंधेरा, कीचड़, और वो ऐसा लगता है कि बिल्कुल अब यहाँ पे कभी आना ही नहीं, हमको बहुत दर्द होता है उसमें, तो हमको ऐसा लगता है कि अब एक बार तो आ गया मैं, पर अब कभी भी वापिस इस गटर में कभी नहीं आऊंगा, मैं कभी भी गलती से भी ऐसे पाप नहीं करूंगा हम। इसलिए मेरे को एक ही लक्ष्य है कि मेरे को एका भवतारी बनना है। और अंतिम साधना हमारी सफल कब हो सकती है, जब हमारा आयुष्य कर्म भी अच्छे भावों में बने, तो ही अंतिम साधना में भी हमको अपने आप सिद्ध भाव आएंगे। पर अब हमारा आयुष्य कर्म कब बनता है ये तो हमको अभी पता नहीं है, क्योंकि कोई केवल ज्ञानी, अवधि ज्ञानी ऐसा है नहीं, तो हमको हमेशा शुद्ध भाव में रहना पड़ेगा। और मेरे को जहां तक लगता है कि श्रावक जीवन में शुद्ध भाव में रहना साधु से भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि साधु के पास कोई परिवार की या फिर कोई धन दौलत की या फिर कुछ पूरे व्यापार की झंझट नहीं होती है, पर गृहस्थ को तो हर काम दोनों में ध्यान देना पड़ता है, तो उसके भाव में मतलब कम ज्यादा होता जाता है, ऐसे आता जाता है। तो इसलिए मेरे को लगता है कि संयम लेकर मैं हमेशा शुद्ध भाव में रहूंगा और मेरी अंतिम साधना को शुद्ध बनाऊंगा। मेरे संयम रहने का एक कारण ये भी है कि मेरे को इतना भाग्यशाली, जैसे मेरे को तन भी मिल गया इतना अच्छा कि मैं उत्कृष्ट साधना कर पाऊं, और मेरे को वैसा मन भी मिल गया कि मेरे को ये साधना अच्छी लगने लग गई, तो इस भाग्यशाली अवसर को मेरे को वापिस मतलब अच्छा लग रहा है तो मेरे को काम कर देना चाहिए, मेरे को ऐसा भी लगता है। और एक बात जैसे ये भी है कि श्रावक बनकर भी रह सकते, ऐसा लोग कहते हैं कि श्रावक में भी हम अच्छा धर्म कर सकते हैं, तो उनसे मैं कहना चाहूंगा कि श्रावक तो तीर्यंश भी होते हैं बहुत सारे, और श्रावक जैसा तो उनको भी साधना कर लेते हैं, पर मेरे को जो मनुष्य भाव मिला है, हमको जो मनुष्य भाव मिला है, उसको हमको विशेष कुछ विशेष करना चाहिए, और वही विशेष विशेष चीज होती है हमारी उत्कृष्ट साधना, जो होती है संयम की साधना। नहीं तो अगर हम श्रावक जीवन तो वही है कि मतलब हम कोई तीर्यंश से ज्यादा विशेष नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए दीक्षा लेना में हम कुछ विशेष कार्य कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी बात है। पर प्रसन्न जी, आपके जितनी छोटी उम्र में, जनरली हर यंगस्टर का एक ड्रीम होता है कि मुझे अपनी लाइफ में ये गोल अचीव करना है, ये पढ़ाई करनी है, एक एम्बिशन रहता है कि मैं पढ़ लिख करके बड़ा बनूंगा, अपने परिवार का, माता पिता का नाम रोशन करूंगा। तो आपने भी अपने लिए कुछ ड्रीम्स या कुछ विजन्स बनाए होंगे, उसके बारे में बताइए। जैसे मैं शुरू से ही बचपन से ही धर्म से थोड़ा जुड़ा हुआ था, महाराष्ट्र के पास जाता था, तो थोड़ा तो मेरे को धर्म के प्रति इंटरेस्ट था, तो मैं कोई पूछता तो ऐसे ही कह देता था कि हाँ महाराष्ट्र बनूंगा मैं बड़ा होके। और फिर धीरे धीरे बड़ा हुआ तो मतलब इन जो खेल होते हैं, जो जैसे क्रिकेट है, तो उसमें मेरा थोड़ा वो लगा, तो मेरे को कहने लगा कि क्रिकेटर बनूंगा। फिर थोड़ा ऐसा और होता गया तो मेरे को लगा कभी टीचर बनूंगा, पर फिर भी धर्म से एक रुझाव तो पहले से ही था। तो फिर अगर देखा जाए तो मेरे को सब हर बच्चे को करियर की चिंता होती है,
हर बच्चा अपना अच्छा करियर चाहता है, और मेरे को भी अपना अच्छा करियर चाहिए था, पर मैं सब जगह देखते हैं तो ज्यादातर वहां पे करियर खाली हो ही नहीं कह सकते कि कमाई ज्यादा है या फिर खाली साधन ज्यादा हो गए तो वो अच्छा करियर हो गया, ऐसा नहीं होता है। हमको अगर हमारा अच्छा करियर बनाना है तो उसके लिए जरूरी हमारे सब चीजों के साथ शांति और प्रसन्नता दोनों होनी चाहिए, पर ज्यादातर मैंने देखे अगर संसार में जो होती है चीजें वहां पे सब चीजें होती है पर शांति और प्रसन्नता बहुत कम होती है। और जब मैं महाराष्ट्र के पास बैठता था संवर करता था रात को तो मेरे को लगता था ये इससे अच्छी शांति मेरे को कभी मिलेगी नहीं और कभी मिली भी नहीं ऐसी शांति। तो मैं यही चाहता था कि ऐसी शांति मेरे पूरे जीवन पर मिलती रहे और मैं इसे संसार की झंझट में फंस कर दुख भोगने से तो अच्छा ही है ऐसी शांति को पाऊं। और ऐसा भी लगता था मेरे को कि जो हम परिवार के साथ रहते हैं हमारी ठीक है, हमको वो अच्छा सुहावना भी लगता है कि हमारे परिवार वाले हमारी चिंता करते हैं और हमारा सुख भी देखते हैं, पर अंतिम में जो इसका एक जो अंतिम में रिजल्ट आता है इस परिवार के बंधनों का वो तो दुख ही आता है। कभी भी कोई गुजर जाता है या कभी भी कोई एक्सपायर होता है हमारा आसपास वाला तो हमको उसी से दुख ही मिलता है। इसलिए मेरे को लगता है कि दीक्षा लेना सबसे अच्छा है, एकत्व भावना में रहना, अपने खुद में रहना सबसे अच्छा होता है, इसलिए दीक्षा दे रहा हूँ। बहुत ही सुंदर, मतलब जिस बात को समझने के लिए व्यक्ति को पूरी जिंदगी निकल जाती है एकत्व भाव में रहने की, तो वो एकत्व भावना आपने इतने कम उम्र में अपने आत्मसात कर ली है, बहुत ही ज्यादा अनुमोदनीय है प्रसन्न जी। प्रसन्न जी, जैसे एक होता है ना कि अपने भाई को छोड़ करके जाना, अपने परिवार को छोड़ करके जाना, अपने फ्रेंड्स को छोड़ करके जाना, तो सब लोग बहुत बोलते होंगे कि कुछ दिन थोड़ी पढ़ाई कर ले दो फिर उसके बाद चले जाना। तो अब जैसे अब आपने 10th पास किया है तो आप सब लोग बोल ही रहे होंगे कि आप एजुकेशन कर लो, कॉलेज कंप्लीट कर लो, तो फिर आप ऐसे बीच में क्यों अपने ना स्कूल स्टडीज को छोड़ करके आप संयम लेने के लिए आगे बढ़ रहे हैं? कोई किसी प्रकार का है ना किसी का कोई आग्रह तो नहीं है, या फिर आपकी खुद की भावना है, या फिर आपकी लाइफ में ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है जिससे आपको लगा कि नहीं मुझे अब क्षण मात्र भी अब इंतजार नहीं करना है, उसके बारे में बताएं। कोई खास तो इंसिडेंट नहीं हुआ है, मतलब मैं तो धीरे धीरे महाराष्ट्र के पास जाता था और मेरे को समझ में आया कि मतलब संसार में ज्यादा रुकने से कोई सार नहीं निकलने वाला है, क्योंकि हमको पता ही है कि मतलब आगमों में भी आया कि इस जीवन जो है वो पानी की बूंद के समान है, जो घास के ऊपर जो बूंद होती है वो जैसे क्षण मात्र की होती है वैसे ही हमारा जीवन है, तो ज्यादा देर करने से कोई मतलब भी नहीं है। पर हाँ, मेरे परिवार वालों ने कहा था जब मैं 9वीं में था, 9th में था, तब मेरे परिवार वालों ने कहा कि 10th कर ले उसके बाद चले जाना, और मैं 10th में पास हो गया। 11th में आया तो कहा कि लास्ट साल 12th तो कर ले लास्ट बार उसके बाद, और कोई कहते कि नहीं पूरा पढ़ाई करके जाना ताकि तेरे आराम रहेगा और साधु बनने के भी बाद ज्ञान की जरूरत पड़ती है ऐसे कहते थे लोग। पर मेरे को लगा कि अगर मैं जो टाइम इसमें लगाऊंगा स्कूल की पढ़ाई में वो इतनी ज्यादा काम नहीं आती हमारे साधु जीवन में। महाराष्ट्र ने भी मेरे को यही बताया कि उनके जीवन में जो ज्यादातर पढ़ाई होती है वो 8th-10th तक वाली काम आती है और आगे की पढ़ाई कुछ ज्यादा काम नहीं आती है। तो अगर मैं वो समय अपने मतलब संयमी जीवन में दूंगा, आगमों को कंठस्थ करने में वो समय लगाऊंगा, तो उससे मैं अच्छा ज्ञानी बन पाऊंगा, मतलब मेरे को अच्छा ज्ञान प्राप्त कर पाएगा, क्योंकि यही उम्र होती है जिसमें हमको अच्छे यही उम्र डिसाइड करती है कि हम कितने अच्छे ज्ञानी बनेंगे या कितना अच्छा हमको ज्ञान चढ़ेगा। तो यही है कि मतलब ज्यादा इसमें समय करने बर्बाद करने की अपेक्षा मेरे को इसमें समय लगाना चाहिए आगमों को कंठस्थ करने में। बहुत ही अच्छी बात बताई दी आपने, नहीं तो जिंदगी भर व्यक्ति को निर्णय करने में लग जाता है कि है ना 5 साल 10 साल कुछ साल और पढ़ लूं, कुछ साल और ज्ञान अर्जन कर लूं, संसार की पढ़ाई भी कर लूं, अध्यात्म की भी पढ़ाई कर लूं, संस्कृत आदि पूरा पूर्ण कर लूं, तो सारी वेल प्रिपरेशन करके भी संयम मार्ग में कई लोग आगे बढ़ते हैं। पर जैसे आगम में भी बताया गया है ना भूपुए सन्नी है ना, मतलब जीवन क्षण भंगुर है, क्षण मात्र भी इस जीवन का भरोसा नहीं है। आपने उस बात की गरिमा को समझा और इसीलिए आप आगे बढ़ रहे हैं, राइट। हर व्यक्ति के लिए एक विजन होता है कि जैसे अब आपने ये लाइफ चूज कर ली, और जैसे जो संसार में रहते हैं वो लोग अपने लिए विजन बनाते हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स, शॉर्ट टर्म गोल्स, इस तरीके के गोल्स बनाते हैं, अपने लिए विजन गोल बनाते हैं। तो वैसे अब जब आप संयम मार्ग में आरोहण करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो आपने अपने लिए कुछ विजन बनाया होगा कि आप अपने आप को कैसा देखना चाहते हैं, किस प्रकार आप आगे बढ़ेंगे, क्या क्या अध्ययन किस प्रकार से आपके करने की भावना है, और
किसका आपके जीवन में सबसे विशेष कृपा रही है जिनके कारण आप इस मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं निसंकोच और बिना किसी भी डर के? साधु बनने के बाद तो मेरा यही विजन रहेगा, यही मेरी एक लक्ष्य रहेगा कि मैं खुद तो सुख पाने के रास्ते पे आगे बढ़ ही रहा हूँ और ये खुद कर ही रहा हूँ। मेरे को सबका सपोर्ट मिला है, महाराष्ट्र का और ये सबका, सबने मेरे को ज्ञान दिया है। उस उपकार की वजह से मैं खुद तो सुखी बनूंगा ही, पर साथ साथ में मैं भी किसी को ऐसे ज्ञान दूं, मैं भी किसी को अपने प्राप्त ज्ञान से उसको भी, मतलब जो संसार में भटक रहा है, जो संसार में दुखी हो रहा है, उसको भी मैं उस ज्ञान से उसका भी कुछ उपकार करूं, तभी मेरा जो ज्ञान है ये वो कुछ काम आ पाएगा किसी के। और मेरा यही लक्ष्य है कि खुद सुखी होऊंगा तो साथ में किसी को और जनों को भी सुखी करूं, बहुत सारे जनों को मेरे साथ लेकर चलूं, ऐसा मेरा एक लक्ष्य रहता है। सेकंड क्वेश्चन क्या था जी? किन गुरु भगवान का सबसे विशेष आपके जीवन में कृपा है? तो वैसे तो कृपा मेरे को आचार्य भगवान की भी बहुत रही है और सब साधुओं के पास में बैठता हूँ तो सबकी कृपा रही है मेरे ऊपर। पर जब मैं जुड़ा था इस संघ से या फिर इस धर्म से, खास तो मैं बचपन से ही था, पर जब और एक्स्ट्रा जब जुड़ा था वो था 2018 का चातुर्मास श्रद्धेय नवीन प्रगे जी महाराज का एवं श्रद्धेय जागृत मुनि महाराज का। तो वहां पे मैं श्रद्धेय जागृत मुनि महाराज के पास ज्ञान ज्ञान थोकड़े वोकड़े सीखता था और प्रतिक्रमण सीखा और नवीन प्रगे जी के पास बैठता था, उनसे जो बातें करता था तो वो बताते थे कि संयम की क्या उपयोगिता होती है, संयम में रहकर हमको क्या मिलता है। जैसे एक दृष्टांत से समझें तो कोई मक्खी होती है, अगर वो किसी सब्जी तोलते हुए तराजू पर बैठ जाती है तो उसका मूल्य उतना ज्यादा गिना नहीं जाता है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज पे। पर अगर वो किसी सोना तुल रहा हो उस पे जाकर बैठ जाए तो उसका मूल्य कितना भारी हो जाएगा। तो वैसे ही था कुछ मेरे जीवन में भी, मैं भी जब नॉर्मल जिंदगी जी रहा था तब तो ऐसा कुछ नहीं था, पर जब मैं महाराष्ट्र के साथ सत्संग मिला मेरे को और महाराष्ट्र के साथ साथ मेरे को ये जिन शासन मिला, तब मैं कितना वंदनीय हो गया। मेरे को अब ऐसा लगता है कि मैं उसी मक्खी के समान हूँ जो सोने के तराजू पर बैठती है। महाराष्ट्र का बहुत उपकार रहा है श्रद्धेय नवीन प्रगे जी महाराज एवं जागृत मुनि महाराज का। तो कहते हैं ना कि कई लोग ऐसे होते हैं जो खुद भी आगे बढ़ते हैं और दूसरों को भी बढ़ाते हैं, उनमें से ही है पूज्य गुरु भगवान तादी और आपको इसी प्रकार उन्होंने संभाला है, क्योंकि छोटी उम्र में स्पेशली ट्रेन करना, उनको समझना समझाना बहुत बड़ी कला होती है। धन्य ऐसे गुरु भगवंतों को जिन्होंने इतनी कृपा बरसाई है, जहां पर भी उनका विचरण हुआ है समस्त गुरु भगवंतों का भी ऐसा ही सुनने में आता है कि वो खुद तो तेरी रहे हैं साथ साथ में लोगों को भी इस संसार की असारता का भान करा रहे हैं। तो बसंत जी, अंत में हम सभी के लिए, हमारे सारे वंडरफुल ऑडियंस के लिए कुछ आपकी तरफ से विशेष संदेश फरमाएं। संदेश जैसे मैं सोचता हूँ कि संसार में रहकर जो ज्यादातर लोग होते हैं उनका लास्ट में रिजल्ट क्या आता है, हमको ये भी देखना चाहिए। जो भी लोग होते हैं हमको देखना चाहिए कि हमारी जिंदगी का ज्यादातर रिजल्ट क्या आ सकता है, क्योंकि संसार में रहकर अगर देखें, देखा जाए तो 25 साल पढ़ी होती है, फिर 25 साल होती है कमाई की एज, फिर 25 साल दवाई की एज आ जाती है और लास्ट में हम संसार से विदाई हो जाती है हमारी। तो ये जो रिजल्ट होता है इसको हमको देखना चाहिए कि हमारा रिजल्ट कहीं ऐसा तो नहीं आ रहा है। हमको देखना चाहिए कि हम जो पढ़ाई कर रहे हैं उसका हमको आगे जाकर क्या लाभ होगा। जैसे हम स्कूल में पढ़ाई करते हैं अगर, तो उसमें तो हमको ठीक है हमारा एक करियर, कमाई का करियर बनाने के लिए, पर हमको अगर शांति और प्रसन्नता चाहिए तो हमको संत का समागम करना चाहिए। हमको हमारे जो बड़े होते हैं उनको, उनके बच्चों को संतों के पास भेजना चाहिए ताकि उनको अच्छे संस्कार मिलेंगे। क्योंकि हम लोगों से तो सुनते ही कि कैसे धरती को, हमारे घर को स्वर्ग बनाया जाए, और खाली हम खुद सुन लें और तो उससे हम खाली अकेले उसको स्वर्ग नहीं बना सकते, हमको सबका साथ चाहिए होता है। तो हमको आपने पारिवारिक जनों को भी संतों का समागम करने के लिए भेजना चाहिए और उनको भी धर्म से जोड़ना चाहिए ताकि ये असली में हमारा जो घर होगा वो स्वर्ग जैसा बन पाएगा। और जैसे अगर मानव भाव हम पाते, हमको सोचना चाहिए कि हम जो ये मानव भाव हमने पाया है इसका क्या लाभ होगा। जैसे कोई अगर कोई इंसान है उसको अगर किसी पानी में से अगर उसको एक बहुमूल्य रत्न मिल गया और उसने उसको समझ नहीं पाया, उसकी कीमत वो समझ नहीं पाया और उसको ये फालतू पत्थर लगा और वापस उसने फेंक दिया, तो वो तो हमने समझा कि ये तो अज्ञानी जीव हुआ, ये तो मतलब समझ ही नहीं पाया। पर हम भी अगर देखें तो हमको तो ये मानव भाव मिला है, ये भी एक बहुमूल्य रत्न है, हमको इसकी कीमत भी पता चल गई है। पर अगर अब हम इसको ऐसे ही जाने देंगे, अगर अब इनको हम
मतलब कोई व्यक्ति है जो रत्न मिला उसकी कीमत भी जान गया और उसको वापिस फेंक दिया उसी में पानी में, तो उसी के जैसे हम भी बन जाएंगे। तो हमको इस मनुष्य भाव का असली लाभ उठाना है तो मतलब हमको धर्म से जुड़ना चाहिए, और नहीं तो वही है पढ़ाई दवाई और वही कमाई और फिर विदाई। बहुत अच्छा बताया आपने, पढ़ाई दवाई कमाई और फिर विदाई। मैंने क्या लेके आए हैं और क्या लेकर जाएंगे, खाली हाथ आए और खाली हाथ जाएंगे। तो बहुत अच्छी बात बताई प्रसन्न जी आपने। हम सबके लिए एक बहुत प्रेरणादायक बात है कि जितना हो हम गुरु भगवंतों का संसर्ग करें, गुरु भगवंतों की सन्निधि को प्राप्त करें, ताकि हम और अपनी अगली युवा पीढ़ी भी सेफ रहे, सिक्योर रहे, हमारे जीवन के लिए क्या जरूरी और क्या नहीं इसकी एक क्लैरिटी मिलती रहे। अदरवाइज लाइफ ऐसे मैकेनिकल होती चली जाएगी और मतलब वो सर्कल के जैसे गोल 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 घूमते रहेंगे, इधर दुख का सर्कल है या इधर राइट चॉइस ले ले तो वो सुख का सर्कल हो जाएगा। सो इसी के साथ में प्रसन्न जी एक लास्ट वन सिंगल लाइन में हमारे सारे नव युवा पीढ़ी के लिए आप कुछ संदेश बताएं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो मेरे जैसे लोग हैं, मतलब मेरे जैसे होते हैं, तो मैं उनको मेरा ही एग्जांपल दे देता हूँ कि मैं भी जब छोटा था, मैं भी मतलब जैसे 9th-10th में था, तब मैं भी नॉर्मल जैसे जो बच्चे करते हैं वैसे ही मैं भी पढ़ाई कर रहा था, और नॉर्मल वही पढ़ाई की चिंता है और अपने अच्छे करियर की चिंता है तो होती है ज्यादातर हर बच्चे में, तो वही थोड़ा सा उसमें भी रहता था मैं। पर फिर मैं धीरे जब श्रद्धे नवीन प्रगी जी मारसा के साथ जुड़ा और मतलब मारसा के साथ जुड़ा, तब मेरे को लगा कि हाँ ये जो करियर होता है ये सब बातें ऐसी होती है, हमको तो असली में शांति प्रसन्नता चाहिए। तो मेरी बात आपको भी ये अप्लाई करना चाहिए कि आपको भी संतों के पास जाना चाहिए और उनसे अपनी जो चिंताएं होती है उनके साथ शेयर करेंगे तो आपकी चिंताएं भी कम होगी और आपके अंदर भी मतलब उनका अनुभव आएगा, सब महापुरुषों के सानिध्य आपको मिलेगा, तो आपका जीवन भी मतलब खाली आपका करियर ही अच्छा नहीं बनेगा, आपका पूरा जीवन अच्छा बन जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रसन्न जी। तो कहते हैं ना, खुशी उनको नहीं मिलती जो अपने शर्तों पर जीते हैं, खुशी उनको नहीं मिलती जो अपने शर्तों पर जीते हैं, खुशी उनको मिलती है जो महापुरुषों के चरणों पर चलते हैं, खुशी उनको मिलती है जो महापुरुषों के चरणों में एवं पद चिन्हों पर चलते हैं। सो इसी प्रकार जैसे आपने आज प्रसन्न जी की पूरी जिंदगी के बारे में जाना और समझा और वो क्यों संयम मार्ग पे आरोहण कर रहे हैं इसके बारे में भी एक छोटी सी झांकी जानी, तो इसी प्रकार समस्त आठों मुमुक्षुओं के वीडियो एक एक क्रम से हमारे चैनल पर आप देख सकते हैं और ऐसे कई सारे वीडियोस हमारे चैनल पर, मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल वीडियोस हमारे चैनल पर निरंतर आते रहते हैं। तो जरूर चैनल के साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि इसी प्रकार हम जिन शासन की गरिमा को और जयवंत रख सके और अपने जीवन को उत्थान की ओर आगे बढ़ सके। सभी को सादर जय जिनेंद्र प्रसन्न सर जी, पानी के विपरीत यदि कुछ कहने में आया हो तो बारंबार मिच्छामी दुक्कड़म, यदि किसी का दिल दुखा हो या ऐसा ना हो तो उसको मिच्छामी दुक्कड़म करता हूँ जी। जय जिनेंद्र।